हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आए हो बच्चे हो गए तो मैं अंबिका लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स, अगर मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो मैं उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है जड़ से, तो मैं इसको काट के कुछ बनाने वाली हूँ। और ये मेरे हस्बैंड हैं और देखिए इनसे मैं क्या करवा रही हूँ। मैं तो नहीं कर सकती, इसको काट नहीं सकती, इसीलिए हस्बैंड जी से कटवा रही हूँ। और मैं एक प्यारा सा इसको क्या बनाने वाली हूँ आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हस्बैंड जी काट रहे हैं और मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना तब आप लोगों को पता चलेगा मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक चीज़ बनाने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा जब बन जाएगा तो। तो फ्रेंड्स, जब तक हस्बैंड जी ये टहनी को काटते हैं मैं तब तक दूसरा काम करूँगी और इन्हें मैं बता दी हूँ कैसे कैसे काटना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ प्लांट है उसके जो पॉट है वो बहुत गंदे हो गए हैं, तो मुझे उसे कलर करना है। तो मैं अभी कलर करूँगी इस पॉट को। पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए टूथ ब्रश है, मैं इससे रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें काई भी जम गए हैं, तो जब हम कलर करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं कलर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कलर करने के बाद दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कलर करने के बाद में कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लग ही नहीं रहे हैं कि ये वही पुराना वाला पॉट है, देखिए नया पॉट जैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम सारे पॉट को कलर कर देंगे, जितने भी गमले हैं सबको हम ऐसे साफ करके कलर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सारे कलर करने के बाद में ये कैसे दिख रहे हैं मैं फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कलर करने के बाद में ये सारे गमले जो है बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उससे प्यारा लग रहा है जो प्लांट है, इसका पत्ता लाल और हरा कलर में है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे कितने खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सुंदर सा प्यारा सा एक पॉट स्टैंड तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, गमला रखने के लिए ये एक सुंदर सा प्यारा सा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, देखिए आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गमला रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत प्यारा, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मेरा कितना प्यारा खूबसूरत सा एक स्टैंड बन गया है, देखिए गमला रखने के लिए बिना पैसा खर्च किए, बिना एक रुपया पैसा खर्च किए मेरा एक कितना सुंदर सा प्यारा सा, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये पॉट स्टैंड, देखिए। तो अभी फ्रेंड्स हम अपना गमला इसमें रखते हैं और देखते हैं कैसे लग रहा है। तो चलिए गमला रख देते हैं अभी इसमें।
तो फ्रेंड्स मैं दूर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा एक जो टूटा हुआ गाछ था, गिर गया था, मैं उसका टहनी को काट के कैसे एक स्टैंड बनाई हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक। अब उसमें हम गमला रखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कैसे लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे गमला स्टैंड बनके तैयार हो गया है। देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स हमने सारे प्लांट जो है इसमें रख दिए हैं अपने गमला। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहीं पर करती हूँ एंड। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।